third class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, आज हम chapter number 7 discuss करेंगे. दानवीर कर्ण. दानवीर कौन होते हैं? जो दान करने में माहिर होते हैं, है ना? तो दानवीर कर्ण के नाम से एक poem है और इसका बहुत बड़ा आगे इसकी story भी है, वो मैं आपको इस chapter में बताऊंगी कि कौन थे दानवीर कर्ण, उनका नाम कैसे पड़ा था, सब कुछ पढ़ाऊंगी. चलिए chapter start करते हैं. संक्षेपण. प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें दानवीर कर्ण के बारे में जानकारी दी गई है. इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, जो दानवीर कर्ण थे उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने घायल अवस्था में भी अपना सोने का दांत को साधु रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन को दे दिया. इसमें क्या बताया गया है कि उन्होंने अपनी घायल अवस्था में भी, उन्हें चोट वगैरह लगी होगी तो अपनी घायल, उनकी इतनी बुरी अवस्था थी, खून बह रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपना सोने का दांत था वो साधु रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन को दे दिया. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये दानवीर कर्ण आखिर थे कौन. महाभारत काल की बात है. कौरव और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था. आप सभी को पता है महाभारत के बारे में. लॉकडाउन में सभी में रामायण और महाभारत सबने देखी है ना. महाभारत में क्या होता है कि कौरव होते हैं और पांडव होते हैं, है ना. पांडव जो होते हैं वो 5 भाई होते हैं और कौरव जो होते हैं वो 100 भाई होते हैं, है ना. तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, बहुत तगड़ा युद्ध हो जाता है. कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण थे. अब आपको पता है कि अगर पहले के ज़माने में लड़ने जाते थे तो सेनापति उनके साथ जाते थे, पता है ना आपको. तो कौरवों के जो सेनापति थे वो कौन थे, महारथी कर्ण थे. अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया. अचानक क्या हुआ, युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, चलते चलते जो कर्ण का जो युद्ध पहिया था, उस समय बैल वगैरह पे जाते थे ना, उनका जो रथ वगैरह होता था, ये देखिए ये इनका रथ वगैरह होता था, तो रथ का जो पहिया था अचानक क्या हुआ, वो जमीन में धस गया अचानक से ही. कर्ण रथ से उतरकर नीचे आए और ज़मीन से पहिया निकालने का प्रयास करने लगे. जैसे उनका जो पहिया था वो ज़मीन में धंसा, वो जो कर्ण थे वो उतर कर नीचे आए और उन्होंने क्या किया, पहिया जो था निकालने की कोशिश की कि ज़मीन से मैं निकाल सकूं. भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को एक ऐसा बाण मारा कि वह घायल होकर ज़मीन में गिर पड़े. अब जो पांडव थे उनके सेनापति कौन बनकर चले थे, श्री कृष्ण बनकर चले थे. श्री कृष्ण भगवान जो थे वो बनकर चले थे. तो जो श्री कृष्ण भगवान थे उनकी आज्ञा पाकर जो अर्जुन था, अर्जुन पांडव जो थे उनमें से एक भाई था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मांगी और उसने कर्ण को एक ऐसा बाण मारा जिसके बाद क्या हुआ, जो कर्ण था वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए और अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर सके. उनके गुरु थे कर्ण के गुरु परशुराम जी, ठीक है. कौन थे, परशुराम जी उनके गुरु थे. तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपनी जो धनुर्विद्या होगी, धनुर्विद्या मीन्स बाण वगैरह चलाना, वो भूल जाओगे कुछ समय के लिए. तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही उन्हें बाण लगाना वो भूल गए कि मुझे करना क्या है, मैं बाण कैसे चलाऊं, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूं. तो इसलिए वो अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर सके. अत्यधिक घायल अवस्था में होने के कारण मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े रहे. मरणासन मीन्स क्या होता है कि मतलब जैसे मरने के कगार पे होते हैं ना, जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, अब हमें पता है कि इसको तो मरना ही है, बिल्कुल मरने की हालत में युद्ध भूमि में पड़े रहे. क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, सामना तो वो कर नहीं पाए, उन्होंने तीर ही तीर खाए और वहीं पर वो युद्ध भूमि में ही, जहाँ पर लड़ाई चल रही थी वहीं पर मरणावस्था में पड़े रहे. महावीर कर्ण की दानशीलता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी. जो महावीर हमारे कर्ण थे जिनके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनकी जो दानशीलता थी, दानशीलता मीन्स क्या होती है, दान करने की आदत जो थी वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थी. सबको पता था कि ये बहुत बड़े दानी हैं. उनके द्वार पर आया भिक्षुक कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था. उनके द्वार पर, द्वार मीन्स दरवाज़ा, अगर उनके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक आ जाता था, भीख मांगने को आ जाता था, तो कभी भी वो खाली नहीं जाता था. जो महावीर कर्ण थे वो उन्हें कभी भी खाली नहीं जाने देते थे.
श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने क्या सोचा कि मैंने इसकी बहुत चर्चा तो सुनी हुई है कि हाँ ये दानवीर है, दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, चलो मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो श्री कृष्ण जो थे उन्होंने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेनी चाही। वे अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो अब यह देखें कि कर्ण वास्तव में कितने दानी हैं। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अर्जुन को क्या बोला, अर्जुन चलो अब हम देखते हैं कि सब कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा दानी हैं, सबको दान करते हैं, कभी किसी को खाली नहीं जाने देते, तो अब हम देखते हैं कि ये कितने दानी हैं, चलो हम इनका टेस्ट करते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधुओं का वेश धारण किया और महारथी कर्ण के पास जाकर बोले, दानवीर कर्ण हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। अब क्या हुआ, जो अर्जुन थे और श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने साधुओं का वेश धारण किया और वो कर्ण के पास गए। वो तो घायल पड़ा था कर्ण, लेकिन उसके पास गए, उनको जाकर बोला कि हे कर्ण हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। अब वो इतनी घायल अवस्था में पड़ा है, अगर आप बीमार भी होते हो, आपके पास कोई आता है तो आपको चिड़चिड़ाहट छूट जाती है कि मेरे पास मत आओ, वो तो मतलब मरने की अवस्था में पड़ा है और ये लोग उसके पास जाकर बोल रहे हैं कि हमें कुछ खाने को दे दो, तो क्या इस सिचुएशन में वो दान करेंगे श्री जो कर्ण हैं। देखते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। तो बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।